और अच्छा चल मॉल में चल रहा है यार, छोड़ो। अरे यार मॉल में चल रहे ना यार। भाई रुको, इनसे भाई सुनो। भाई भाई यार तू जला देती है, इतना गुस्सा हो गए यार। मैं उतार काला करा के इतना गुस्सा नहीं होगा यार। वेलकम बैक टू द तूफानी राइडिंग में आपका स्वागत है। तो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे हो। तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ले गया तुम्हारे लिए बहुत ही प्यारा सा प्रैंक। वो भी गाइस क्योंकि प्रैंक वगैरह तो मैं मलिक प्रैंक पे कर ही नहीं रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ, मोगली लाइफ पे ज्यादा कर रहा हूँ। तो गाइस मैं ना सोचा आयशे के पास जा रहा हूँ, मैं आयशे की तरफ, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस आयशे की तरफ जाके ना लव बाइट प्रैंक करने वाला। देखो मैंने यहाँ पे लव बाइट बनवा रखा है, यहाँ पे लव बाइट बना रखा और उसको जाके ना चिड़ाने वाला, मतलब बहुत गंदा देखते हैं उसका रिएक्शन क्या आने वाला और वो मुझसे कितनी ज़्यादा नाराज होने वाली। तो गाइस मैंने फाइनली अपना गोप्रो अपनी बैंग को रेडी कर लिया था, सब कुछ कर लिया था। तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारा भाई उससे मिलता है, उससे बातचीत करता है और उसको चिढ़ाने वाला हूँ, लव बाइट वाला मैं दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलते हैं और देखते हैं फाइनली। अभी हम लोग मेरी बैंग वगैरह भाई खड्डी है इधर, तो अभी हम लोग चलते हैं, मचाते हैं और फाइनली जल्दी से पूरी वीडियो देखना और जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को और मिलते हैं। गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने पूरा रेडी कर लिया, अपना पूरी बैंग को रेडी कर लिया। देखो अपना गोप्रो सेट हो गया, पूरा हेलमेट वगैरह यहाँ पे सब कुछ कर चुका है और तुम्हारे भाई ने लव बाइट भी अपने यहाँ पे बना लिया, आपको पता ही है। तो अभी हम चलते हैं ऐसे के पास और उसको जाने के बाद उसका रिएक्शन देखते हैं, लव बाइट का क्या रिएक्शन आने वाला है। और गाइस फाइनली यह देखो तुम्हारे भाई का, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपनी बैंग को देखो यार, है कितनी जहर लग रही है, कितनी बॉम्ब लग रही है। तो चलते हैं ऐसे के पास क्योंकि टाइम लगा उसके पास पहुंचने में, तो इसलिए भाई जल्दी चलते हैं और उसके रिएक्शन देखते हैं। आप लोगों को रिएक्शन दिखाने वाला हूँ उसके, कितना गुस्सा होती है मेरे ऊपर। तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने एकदम अपनी बैंग को निकाल लिया और मैं जा रहा हूँ ऐसे के पास, और क्योंकि आज मैं उसके ऊपर करने वाला हूँ लव बाइट प्रैंक। और गाइस काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही होगी, उसके लिए दिल से सॉरी मेरे भाई। और आप लोग कमेंट करो कि भाई रेगुलर वीडियो लाओ, रेगुलर ब्लॉग डालो, तो भाई मैं डाल नहीं पा रहा, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन पर अब हाँ, अब भाई तुम्हारा भाई रेगुलर करेगा और एक दो दिन भी लेट नहीं होऊंगा, बस कंटिन्यू वीडियो आएगी सच में भाई। और उसके लिए दिल से सॉरी, नहीं काम कर पा रहा था इसलिए, पर लेकिन अब आएगी भाई। और अभी तुम्हारा भाई आयशा के पास जा रहा है, आयशा के पास जाने के बाद उससे भाई उसका रिएक्शन क्या होने वाले होंगे भाई मुझे नहीं पता, पर वो आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा ना भाई। मैं लड़की मेरे पीछे बैठी हो ना भाई, मैं ना उसको बहुत ज़्यादा डरा दूँ, क्योंकि भाई मैं ना ऐसे चलाता हूँ गाड़ी कट कट मार मार के। देखो यार यहाँ पे ना जाम ही जाम मिलते जाए इधर, तो इन जाम के चक्कर में ना सबसे ज़्यादा बंदा फंस जाता है यार। और ये बस की वजह से भी बहुत ज़्यादा सीन होता है। और जल्दी से जाके ना यार भाई मेरे ना मोगली लाइफ वाले चैनल को जाके भी वीडियो देखना, उसके भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस पर आपको जो मेरी स्टोरी चल रही है लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो सब भी दिखाता हूँ मैं उसमें। अभी ऐसे ने बहुत गंदा सीन कर रखा है, बोल रखा है कि शादी करनी है भाई। अब मैं शादी को लेकर परेशान हो रखा हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैंने एकदम उसका रिएक्शन देखने वाला हूँ। और मैं क्योंकि भाई देखो मैं मिलता तो रहता हूँ, अब ऐसी बात नहीं है मैं उससे मिलता नहीं रहता, पर लेकिन कभी कभी जैसे अचानक से देखती है ना बंदी के यार लव बाइट मेरे अलावा किसी और के लव बाइट लेके आया, तो उसके लिए गुस्सा एकदम मारने का मन करता है, जान से मार देती है लड़कियाँ तुम्हें पता ही है। पर वो तो तुम्हें पता कितने गुस्से वाली है, एकदम चाटा खींच देती है। तो भाई बस चाटे खाने से डर लगता है, बट ओ भाई 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 मोटू कैसे देख रहा है, मोटू का बच्चा। और देखो पापा की परी जब भी मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, पापा की परी जब भी आती है ना भाई, मैं तो साइड से ले जाता हूँ क्योंकि भाई साइड ही से ही बेटर होता है। और गाइस अभी देखते हैं हम एक पार्क है वहाँ पे बहुत अच्छी सी लोकेशन है, वहाँ जा रहा हूँ और मैं आयशा से मिलता हूँ पहले, तो उसके बाद भाई वहाँ लेके जाऊँगा, उससे थोड़ा कुछ घुमाऊँगा फिराऊँगा, गुस्सा शांत कराऊँगा, क्योंकि मुझे पता है 100% वो गुस्सा हो जाएगी ये सब देख के, और गुस्सा होगी ना तो भाई चाटे फिरे हैं बहुत गंदे वाले।
भाई यार जाम की वजह से ना यार देखो तो रास्ता नहीं मिलता देखो, और हर कोई बंदा ना कट मारता है कभी कुछ करता है, और मैं बाइक इसलिए नहीं चलाता यार क्योंकि सही नहीं मना कर रखा ऐसा ने मुझे बहुत ज़्यादा मना कर रखा कि गाड़ी ढंग से चलाए करो, नहीं चलाए मत लिया करो। अब भाई बात तो माननी पड़ेगी यार उसकी, अगर नहीं मानूंगा तो तुम्हें पता है कितनी जिद्दी होगी यार, बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिद्दी होगी है। पहले तो ठीक भी थी, पहले तो मेरी बात मानती थी, अब मुझे मेरी कुछ भी बात नहीं मानती, अपनी बात मनवाती है बस मुझसे। भाई क्या करे, माननी पड़ती है भाई, कोई नहीं भाई हम तो मान ही लेंगे। तो भाई सभी मैं आयशा के पास पहुंचने वाला हूँ, और आयशा के पास जैसे पहुंचूंगा भाई उसके रिएक्शन पता नहीं क्या आने वाले क्या नहीं आने वाले भाई। वो गुस्सा तो वही होगी क्योंकि मुझे पता भाई ऐसा तभी होता है इंसान जब कुछ और देखते हैं कि होल मिट जाती है कि भाई मेरे अलावा किसी और के पास कैसे चला गया, कौन थी क्यों थी, बहुत चीज़ें होने लग जाती है। तो भाई मैं अभी जाता हूँ पार्क साइड, और जहाँ पहुँचते ही तुम्हारा भाई मस्त। और गाइस आयशा का घर साइड आ चुका है, तो घर साइड में बस मुझे लगता है वो वहाँ पे होगी मैं। तो भाई तो तुम्हारा भाई आ चुका है ऐसे घर की साइड, और फाइनली वो यहाँ पे खड़ी है, और देखो ये खड़ी है। और जी आयशा मैम, बढ़िया बढ़िया, आप बताओ आपके क्या हाल चाल, कहाँ हो? हाँ जो उधर चल रहा है यार यहाँ पे ना गेट। अच्छा आप मेरा वेट कर रहे थे क्या? अच्छा आप मेरा कर रहे, सॉरी यार वहाँ चल रहे, आ जाओ रुको, हाँ वहाँ तक तो आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, चलो यहाँ पे सही नहीं है, तुम्हारा गुस्सा बहुत ख़राब है ना, कभी यहाँ पे इनके भाई के सामने चाटे वाटे रखे और फिर ये लोग देखेंगे यार एक लड़का एक लड़की से पिट रहा है, वो वाला सीन ना सही नहीं लगेगा ना। आ जाओ देखो कैसा आ रही है। तो भाई हम इसको यहाँ पे खड़ी कर देते हैं, और देखो मैडम साहिबा देखो कैसी आ रही है, अभी तो ये आ रही है। कहाँ चले, कहाँ ले जाओगे वैसे? आप ही तो कहते हैं कि मैं घुमाऊंगी तुम्हें, तुम ले आ जाना मुझसे मिलने के लिए हैं। हाँ तो मॉल चलेंगे ना, तो तुम ही तो बोल रहे थे कि मैं लेके जाऊंगी। अरे यार मैं कह तो रहा था यार, अब मैं मेरी गलती, तो जाम इतना मिलता है पता है, बहुत जाम मिलता है, बस अब बताओ मैं आपको क्या बताऊँ। डब्बा तो पहनना पड़ेगा ना भाई, पुलिस वाले मिल गए फिर पुलिस और क्या, मुझे तो पकड़ नहीं बैठे, मेरी इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड है क्या पता वो मुझे पकड़ ले, और क्या चेपू। कहाँ चले, मॉल चल रही हो क्या? अरे यहाँ खा जा रही है यार बार बार। अच्छा चलो मैं ये ना उतार देता हूँ, उतार देता हूँ। ओ भाई एक मिनट रुकना, बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? बहुत बढ़िया। क्या बहुत बढ़िया? ये कहाँ से बनवा के आए हो? ये क्या बनवा के आए हो? कहाँ से क्या? वीडियो बना के, अरे ये ऐसा नहीं, वो ऐसे पूरी वीडियो बना के दिखाऊँ ना था, मच्छर ने काटा है, मच्छर ने काटा है इसी वजह से। अच्छा मच्छर ने काटा है, मच्छर काटा मैं दिखाऊँ कैसा होता है? कैसा होता है? अब तुम्हारे नहीं कटा हुआ ये देखो, ये देखो तुम्हारे नहीं है, ये मैं ना चैन पहनती हूँ, बेवकूफ इंसान की चैन का निशान है ये, तुम्हारा अलग ही दिखाई दे रहा है, मेरे तो मच्छर ने काटा है, देखो ये मेरे मच्छर ने काटा है। थप्पड़ मार दूंगी, बताओ तुम काम होगा काला कुछ करा के अपना यार, इतना गुस्सा नहीं हो बढ़ते यार, देखो यार हद है, पब्लिक देख रही है यार, उल्टे सीधे बोली थी। नहीं मैं मामला स्टार्ट कर दूंगी, शॉट चाटा बहुत तेज का मारूंगी, रिएक्शन भी बहुत गंदा दूंगी, दिमाग खराब मत करो यार। ठीक है मैं मच्छर ने काटा, एक बार देख लो कोई भाई आएगा ना उससे इंटरनल से पूछवाऊंगा, देख अगर ये है तो। हद है यार गुस्सा हो रही है यार,
घटिया इंसान, मैं जब तेरे साथ नहीं जाना पसंद नहीं करती हूँ कहीं भी। अब भाई मच्छर ने काटा है, मच्छर ने काटा है यार तुम हमेशा यार। बड़ा मच्छर काटा ये होता है और ये होता है और हेलमेट मुंह का फेंक के मार दूंगी मजाक चढ़ के। अच्छा चल मॉल में चल रहा यार छोड़ो। अरे यार मॉल में चल रहे ना यार भाई रुको इनसे भाई से भाई भाई यार मेरे यहाँ पे लपाइट बना रहा है भाई बताना यार नहीं पता उससे क्या पूछ रहे हो बेचारे से क्या पूछ रहे हो। तो यार तुम मेरे को तो यार मच्छर ने काटा लग रहा है यार। सब भाई लोग भी देख रहे हैं यार हद है तुम यार मतलब इतना गुस्सा कर रही हो यार ये तो अच्छी बात थोड़ी ना यार। मैं इतने अच्छे मूड से आया हूँ मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए तो मच्छर ने काटा ना यार। मच्छर काटे में ना ये उसमें काटने में फर्क होता है यार। मच्छर ने काटा यार हद है यार पूछ ले यार भाई से भी किसी में पूछवा दूंगा यार। यार हद है यार हद है यार मैं यार घर नहीं यार यार तुम मोल लेके चल रहे हो मुझे यार बस बात करो। आओ यार चलो यार मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे यार। मम्मी मैं चाटा मार दूंगी खींच के बहुत गंदा। और मैं अभी पूछ रही हूँ कहा किसने दिया है क्या है। अबे भाई नहीं दिया यार हद है तुम गुस्सा मत अरे यार ठीक है ना यार अब चल घूमने नहीं जाएगी क्या। अब घूमने चला चल मेरा पेट भर गया मेरा घूम ली चल लेना चल यार चल रहे यार चल चल अब चल रहा है ठीक है गुस्सा मत हो। अबे लब बाइट नहीं है यार ऐसी बनना प्रैंक करना है तो करवा के आऊंगी ना लब बाइट तो यूं कह दूंगी अभी लिपस्टिक है। अच्छा यहां से चाटे हो जाऊं चल आ ठीक है आ वो दिख के देख के पता चल रहा है वो क्या है लिपस्टिक है सबको दिखाऊं तो वो रियली है वो है भी नहीं रहा लिपस्टिक लगी हुई है लिपस्टिक ही तो लगाती लड़की लब्बा थोड़ी ना तुम्हारे भी तो लगा हुआ देखना जरा तुम्हारे भी तो बना चैन का निशाना ये देख रुक जा ये देख ये देख ये देख बोले बाबा हद है। चलो ठीक है यार गुस्सा मत हो हाँ ठीक है चलो घूमने नहीं चल रही अब आप घूमने चल रहे यार चलो यार कोई इंसान निकले चले यार देख गुस्सा मत हो ठीक है प्रैंक करना था प्रैंक कर दिया मैंने बस अब कुछ मत यहाँ पे हाई कर दे बोल दें से सर लपाइट बना के आए हैं और मुझको बता रहे हैं कि लिपस्टिक लगा रखी है कि जैसे कि मैं चूतिया हूँ और मैं लिपस्टिक लगा हाँ चला चला चल हाँ चला आप गाड़ी में बैठ बहुत होगी बच बक्चो दी हाँ यार वो यार ये तो भारी पड़ गया प्रैंक तो यार गुस्सा हो रही है भाई गुस्सा हो जाएगी क्या अच्छा तोड़ने लगता है यार गुस्सा हो जाओ। तो गाइस फाइनली मैं इसको थोड़ा सा घुमाने ले जा रहा हूँ अभी गुस्सा और इसका गुस्सा शांत करके आ जाता हूँ क्योंकि यार गुस्सा हो जाएगी खाने का फिर फ़ायदा नहीं है भाई। यही तो एक मेरी अब बुलबुल का बच्चा है अगर ये चला जाएगा ये गुस्सा हो जाएगा तो फिर मैं किसको मनाऊँगा किसको कुछ बोलूँगा। तो भाई अभी हम लोग गए मॉल घूमने जा रहे हैं थोड़ा मॉल उल घूम लेते हैं इसको थोड़ा समझान जाए तो बिठा उठा के ये शादी वादी जो सीन कर रही है भाई उसको दोबारे में थोड़ा समझा समझा देता हूँ वैसी भुनी पड़ी और थोड़ा सा खिला पिला दूंगा भाई खुश हो जाएगी। तो चलो देखते हैं फिर गाइस क्या होता है। तो फिर बस यार वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कंटेंट बताते रहना कमेंट करते रहना क्या करूँ इसके ऊपर क्या नहीं कैसे इसके साथ बिहेवियर करूँ क्या नहीं करूँ भाई बस मुझे कमेंट करके बताते रहो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अपने भाई को प्यार करो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय दिस माय वीडियो नेक्स्ट गेन बाय बाय।